पीछे पार्टी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नेक्स्ट अपडेट आने वाला है एंटमैन एंड वेप्स का 4.2 अपडेट, उसके बाद में ये मूवी से इंस्पायर रहेगा। इसके अंदर न्यू कैरेक्टर आने वाले हैं, वो दो न्यू कैरेक्टर वेप्स के मॉम एंड डैड। उसका यहाँ पर सूट है मेरे पास, ये देखो यहाँ पर सूट है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर फ्री में, फोकट में, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर कॉमिक में भी उसका दिख चुका है, रेड कलर का सूट आपको इमेजेस में मिले होंगी, आपको अपडेट में मिल गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट मिलने का अभी टाइम है। तो उसके बाद में यहाँ पर अल्ट्रॉन की भी इमेजेस आपको मिल चुके हैं न्यूज़। उसके बाद में ये अपडेट 4.2 होने वाला है। उसके बाद में ये साथ में एंटमैन एंड वेप्स के साथ में ही आएगा, और घोस्ट भी इसमें आ रही है। घोस्ट का इसमें क्या स्किल होंगी, क्या पावर्स होंगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो भी हो सकता है कि वो एमा फॉस्ट या जैसे ही उसके साथ उसके लगभग वैसी स्किल्स हो। उसके बाद में एवेंजर्स असेंबल का सीज़न देख लो, वहाँ पर एज ऑफ अल्ट्रॉन का और अल्ट्रॉन रिवोल्यूशन का सारे का सारा आपको सीज़न देख लो, तो आपको पूरा समझ में आएगा पूरा मार्वल क्या चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन को लेना देना है यहाँ पर काफ़ी हद तक अल्ट्रॉन का, और अल्ट्रॉन का रिबॉर्न का मतलब है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो ज़रूर है। उसके बाद में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये निकल के आती है कि अपने स्पाइडरमैन होमकमिंग देखा होगा, तो होमकमिंग में अल्ट्रॉन का सिर था, वायर वाला सिर था, तो उसमें हो सकता है कि ये वापस रिबॉर्न के चांसेस बनते हैं। तो हो सकता है कि मूवीज़ में लास्ट में एंडिंग में अल्ट्रॉन जिंदा होता होगा या फिर स्टार्ट होता होगा ऑटोमेटिकली, तो वो एक चांसेस बनता है। उसके बाद में टोरी ने शायद आर्सेनल एक रोबोट बनाया होगा जिसके अंदर अल्ट्रॉन से वापस से आ गया होगा, वो एक बात बनती है आर्सेनल का, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी हद तक इमेजेस मैंने कलेक्ट कर रखा है, वहाँ पर मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से अल्ट्रॉन का एक सूट निकलते आया हुआ है, हो सकता है ये नेक्स्ट मूवी में या लास्ट मूवीज़ के एंडिंग में दिखाई दे। उसके बाद में यहाँ पर अल्ट्रॉन का एंटमैन एंड वेप्स के मूवी से लेना देना ज़रूर है, तब ये इस अपडेट में आया है, कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर है अल्ट्रॉन का। उसके बाद में स्पाइडरमैन सिनिस्टर सिक्स और सारे के सारे उसके सीज़न वो देख लो, मज़ा आएगा आपको देख के, और आपको पता चलेगा कि असली स्पाइडरमैन क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, और अल्ट्रॉन का ये कुछ इमेज समझ में नहीं आया मेरे। इसके अंदर मोडॉक है, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पीछे वाला वो है, और यहाँ पर कुछ अलग अलग वेपन्स है। तो ये अल्ट्रॉन बहुत ही अजीब तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद में ये कॉमिक कार्ड सब लोग जानते हैं इसके बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला था एनिमेटेड सीरीज में एंटमैन एंड वेप्स का कुछ लेना देना है, तो अच्छी तरीके से देख लो। तो चलो आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पर मेरे को वो आर्सेनल के बारे में पता चला। टाइम स्टोन ये नहीं हारता क्योंकि टाइम जैसी ताकत से कोई नहीं बच सकता। यहाँ पर देख सकते हैं सभी के सभी कैरेक्टर यहाँ पर बूढ़े हो गए हैं, तो ये रिलेटेड है थॉर के सूट से। उसके बाद में जितना ज़्यादा थॉर बूढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल होगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे आगे का सीज़न। वो तो मैं नहीं जानता, पर मैं इसे कई बार बच निकला हूँ। अगर ये आखिरी सांस हुई तो भी हम हार नहीं मानेंगे। सदियां गुजरने से तुम कमजोर हो गए हो शायद। कमजोर वक्त गुजरने से एस्गार्ड वासी और ताकतवर बन जाते हैं। अभी आपने डायलॉग सुना कि एसगार्डियन वासी जितना ज़्यादा वक्त गुजरता है उतना ज़्यादा वो ताकतवर होते चले जाते हैं, तो थॉर कितना पावरफुल होगा अंदाज लगा लो अगर उसका सूट आया तो। एवेंजर्स 4 में देखा जाएगा जब वो टाइम स्टोन यूज़ करेगा थानोस, तब देखा जाएगा। तुम भी चखो टाइम स्टोन का स्वाद। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं असर को उलट देता हूँ। You're not the only
anyone who thinks bigger is better, Thanos. चलो वो सब निपट गया, अब यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट. अभी इस बार अल्ट्रॉन में क्या पावर आएंगे, क्या स्किल्स आएंगे, कुछ आइडिया नहीं है. और साथ में मैं कुछ बोलने वाला था वो भूल गया मैं. हाँ तो मैं कल रात को भी वीडियो बनाने वाला था अलग टॉपिक पे, लेकिन शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया. अभी भी मेरा शेड्यूल बिजी है, हो सकता है एक दो हफ्ते तक मैं वीडियो ना बना पाऊँ, एक भी नहीं. तो कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा. तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर 800-850 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू.